नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिवई खीर रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिवई खीर बनाने के लिए कढ़ाई में पहले 2 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी आपको शुद्ध देसी घी लेना है। फ्रेंड, इस पे अब हम 1 कप सिवई डाल देंगे। और सिवई को अच्छे से भून लेंगे एक कच्ची से लगातार चलाते हुए, गैस को एकदम मीडियम करके। देखिए, सिवई हमारा अच्छे से भून रहा है, इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। फ्रेंड देखिए, सिवई पे सुनहरा रंग आ गया है। सिवई भून के तैयार है, इसको आप निकाल लेंगे थाली पे। तो फ्रेंड, सिवई भून के तैयार है, अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, सिवई बनाने के लिए एक पतीले में 1 लीटर दूध डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। फ्रेंड देखिए, दूध अच्छे से उबल गया है। इसमें आप शक्कर डालेंगे यानी चीनी डालेंगे। चीनी को आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। तो फ्रेंड, चीनी डालने के बाद फिर से दूध को उबाल लेंगे और एक कच्ची से लगातार चलाते रहेंगे। इस टाइम इसमें 2 इलायची डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। एंड आप इसमें फ्राई किया हुआ सिमई को डाल देंगे और मिलाएंगे अच्छे से। एक कच्ची से अच्छे से मिलाएंगे लगातार चलाते हुए, नीचे से नहीं लगना चाहिए। सिवई डाल के एक कच्ची से लगातार चलाते रहेंगे। फिर इसको आप 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे सिमई बनने तक। तो फ्रेंड, सिवई को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें काजू और किशमिश डालेंगे। कुछ काजू और किशमिश डाल देंगे और इसको भी मिलाएंगे अच्छे से। सिमई बनके तैयार है। तो चलिए इसको आप प्लेटिंग करते हैं। टेस्टी सिमई खीर बनके तैयार है। इसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। आपको अगर मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।